अपना ब्रेकअप हो जाने के बाद लड़के को एक सुपर पावर मिल जाती है जिसमें वो टाइम को स्टॉप करके लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी को जिसका नाम है कैशबैक, और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 7.1 out of 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम बेन नाम के बंदे का ब्रेकअप देखते हैं। जिस लड़की के साथ उसका ब्रेकअप हो रहा था वो उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी और उसका नाम सूजी था। उसके साथ बिताया हर पल उसे याद आ रहा था। वो बंडर करता है आखिर उसका ब्रेकअप हुआ कैसे। हर पल वो एक साथ थे और एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे, और नेक्स्ट वीक सूजी किसी और के साथ थी, शायद वो उसे भी आई लव यू बोल रही होगी। बेन के फ्रेंड का नाम शॉन था। शॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे सिर्फ एक बेटर ऑप्शन मिल गया इसलिए वो उसके पास चली गई। उसके बारे में तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, तुम किसी ब्यूटीफुल लड़की को डेट करो फिर सूजी को जेलस लगेगा और वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। शॉन का लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया था, हर लड़की उसे मारकर चली जाती थी। उसकी एडवाइस बेन नहीं ले सकता, बेन आर्टिस्ट बनना चाहता था। जब भी उसकी ड्राइंग क्लास होती थी वो लड़कियों को ही ड्राइंग करता था। उसे हर टाइम सूजी की याद आती रहती थी। एक रात उसने सूजी को कॉल किया, उसने पूछा क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। सूजी ने उसे मना कर दिया और वो दिन रात अपने बेड पर पड़ा रहता था। सूजी के जाने के बाद जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो और धीरे धीरे उसकी नींद भी चली गई। वो सोने का बहुत ट्राई करता है लेकिन वो सो नहीं पाता। अब उसके पास 8 घंटे एक्स्ट्रा थे, वो अलग अलग चीज़ें ट्राई करता लेकिन फिर भी टाइम पास नहीं होता। वो कुछ भी करता लेकिन सूजी हमेशा उसे याद आती रहती। एक रात वो ग्रॉसरीज लेने के लिए गया हुआ था, वहाँ पर वो एक नोटिस देखता है, उन्हें काम करने के लिए एक स्टाफ की ज़रूरत थी। बेन को नींद नहीं आती इसलिए वो अपना टाइम पास करने के लिए यहाँ पर जॉब कर लेता है। वहाँ के मैनेजर को उसने देखा जो पहले एक फुटबॉल का प्लेयर हुआ करता था लेकिन अब वो एक मैनेजर है। ये देखकर बेन रियलाइज़ करता है लाइफ इसी तरह से बहुत फास्ट गुजर जाएगी जिसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। बेन के साथ एक लड़की काम करती थी जिसका नाम शेरेन था। बेन ने नोटिस किया उसका मैनेजर शेरेन के साथ बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करता है। शेरेन को ये बात अनकंफर्टेबल लगती है। इसके बाद एक सीन में बेन हमसे कहता है यहाँ सुपरमार्केट में टाइम बहुत स्लोली जाता है, इसको ज़रा फास्ट करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ अलग अलग चीज़ें करते हैं, हर एक के अलग मेथड हैं। जैसे शेरेन कभी भी टाइम नहीं देखती, जब वो टाइम देखती है तब टाइम बहुत ही स्लो गुजरता है जिसकी वजह से वो हमेशा उसे कवर अप करके रखती है। यहाँ काम करने वाले उसके दो फ्रेंड और हैं जिनका नाम बैरी और मैट होता है। ये दोनों हमेशा गेम खेलते रहते हैं, कभी ये दोनों रेस लगाते हैं या कभी लड़कियों के सामान में अलग सी चीज़ें रख देते हैं। इसी तरह से हर कोई टाइम पास करता था। बेन ने कहा मेरा तरीका कुछ अलग ही है। जब उसका ब्रेकअप हुआ था तब उसे टाइम गुजारना बहुत मुश्किल था, तब एक सुपर पावर उसमें आ गई। ये सुपर पावर थी टाइम को स्टॉप करने की। वो अपने पावर से सब कुछ स्टॉप कर देता और सारी चीज़ें घूमने लग जाता, और वो सुपरमार्केट की सारी लड़कियों को नोटिस करता था। उसे लगता है लड़कियों में अलग सी ही एक पावर होती है। वो जब छोटा था तब एक फॉरेनर स्टूडेंट उसके घर में रहने के लिए आई हुई थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, वो हमेशा उसे ही देखता रहता था। बेन जब टाइम स्टॉप करता था तब हमेशा लड़कियों की न्यूड ड्राइंग करता था। उसने एक नोवेल में पढ़ा था लड़कियों को पेंटर के साथ अफेयर करना अच्छा लगता है क्योंकि उनकी ब्यूटी जैसी है वैसी वो देख सकते हैं। ऐसे ही ड्राइंग करते हुए वो अपना टाइम गुजारता था, और जब वो अनपॉज करता था तब बहुत सारा टाइम गुजर जाता था। अगले दिन बेन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड शॉन आया। शॉन को पता था अभी बेन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। वो उससे कहता है तुम्हें जल्दी से मूव ऑन करना चाहिए। शॉन उसे हमेशा यही समझाता रहता, इस मोमेंट को भी वो पॉज कर लेता। एक्चुअल में बेन और शॉन बचपन से ही बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। जब शॉन की मदर घर से चली जाती थी तो दोनों मिलकर न्यूड मैगजीन देखते थे। एक दिन जब ये दोनों देख रहे थे तब शॉन की मदर वापस आ गई। इन दोनों की फ्रेंडशिप को वो अलग ही समझती है। फिर आज शॉन बेन से कह रहा था तुम्हें मेरे साथ स्ट्रीट क्लब चलना चाहिए। ये सुनकर बेन को बचपन का एक किस्सा याद आता है। उनकी स्ट्रीट पर एक लड़की थी जो पैसों के लिए न्यूड होती थी। ये सारे फ्रेंड लाइन लगाकर उसे मिलने के लिए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं बेन और शेरेन की नज़रों से नज़रें मिली थीं। फिर वो लोग लॉकर रूम में थे, तब शेरेन को भूख लगी थी तो वो बेन से उसका सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच का पिकल शेरेन के गाल पर लग गया था। फिर वहाँ पर एक रोमांटिक सीन का मोमेंट हो जाता है। ये मोमेंट बेन जाने नहीं देना चाहता था, वो इसे फ्रीज करके रखना चाहता था लेकिन शेरेन चली जाती है और वो कुछ कर नहीं पाया।
उसे अच्छा लग रहा था कि सूजी से मूव ऑन करके शेरन को लाइक करने लग गया। फिर उसके फ्रेंड ये डिस्कस कर रहे थे। मैट कहता है, आज मैंने शेरन को डेट के लिए पूछा। मैट इसके लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन बेन को बहुत बुरा लगता है। और बेन हमसे कहता है, हमेशा मेरे साथ ऐसी ही चीज़ें होती रहती हैं, वो जिसे भी लाइक करता है वो उससे दूर चले जाते हैं। जब वो छोटा था तब अपनी टीचर को लाइक करता था, लेकिन टीचर के साथ कुछ भी हो नहीं सकता। उसकी एक और क्लासमेट थी जिसको वो बहुत लाइक करता था। एक दिन उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया, उसके प्लास्टर पर हर कोई ग्राफिटी बनाता था। बेन हमेशा उसे देखता रहता, तो उस लड़की ने बेन को अप्रोच किया। बेन ने भी अपनी सिग्नेचर उस प्लास्टर पर बनाई। जब उस लड़की का प्लास्टर निकला तब उसका पूरा हाथ हेयर से भर गया था। सब लोग उसे चिढ़ाने लग गए, वो अकेली पड़ गई थी। तब बेन उसके पास आकर बैठा और कहा, तुम जैसी हो वैसी ही ब्यूटीफुल हो। उसके बाद ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन गए थे। एक दिन बेन ने उसे स्कूल के पीछे बुलाया। वो उसके पास आकर पूछती है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? बेन कहता है, हाँ, लेकिन कल तुम मुझे यहाँ पर मिलना। कल स्कूल में कोई भी नहीं होगा, कल हॉलीडे था इसलिए उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगले दिन बेन ने उसका बहुत वेट किया, लेकिन वो नहीं आई। बाद में उसे पता चला उस लड़की का ट्रांसफर हो गया है। फिर से हम प्रेजेंट में देखते हैं, बेन और शॉन बात कर रहे थे। बेन ने शॉन को शेरन के बारे में बताया, लेकिन वो ये भी कहता है, मैट और वो आज मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। शॉन कहता है, वो सिर्फ एज अ फ्रेंड मूवी देखने के लिए जा रहे होंगे, उनके बीच कुछ हो ऐसा ज़रूरी नहीं। जब अगले दिन बेन काम पर जाता है तब मैट अपने फ्रेंड से शेरन के बारे में बात कर रहा होता है। वो बता रहा था, कल हम दोनों इंटीमेट हुए थे। बेन का दिल टूट जाता है। इसी मोमेंट पर उनका मैनेजर उनके पास आता है। वो कहता है, कल एक ओल्ड फ्रेंड के साथ मैंने बैट लगाई थी और हम सबको मिलकर उनके साथ फुटबॉल खेलना है। इस फुटबॉल मैच पर मैट को सपोर्ट करने के लिए शेरन भी आई हुई थी। इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था, ये बहुत ही बुरी तरह से हार रहे थे। अपोजिट टीम के 26 गोल हो गए थे लेकिन इनके 0 ही थे। बेन बोर होने लग जाता है और टाइम को उसने फिर से स्टॉप कर दिया। बेन हमसे कहता है, उसे हमेशा यहाँ पर बहुत ही सेफ लगता है, उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो कैफेटेरिया में गया तो अचानक से उसे एक आवाज़ आई। वो आसपास देखने लग जाता है, एक आदमी अनफ्रीज होकर वहाँ से भाग गया। बेन सिर्फ अकेला नहीं है जो टाइम स्टॉप पर करके घूम सकता है। घूम फिरने के बाद बेन फिर से मैच में वापस आया, इनका लास्ट गोल था। तो मैट इतनी ज़ोर से बॉल को किक किया जिससे मैनेजर की नाक टूट गई। वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया और बेन से कहता है, शेरन को घर पर छोड़ देना। फिर इसके बाद बेन और शेरन कॉफ़ी के लिए आते हैं। बेन शेरन से पूछता है, क्या तुम और मैट डेट कर रहे हो? शेरन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एज अ फ्रेंड मूवी देखने के लिए गए हुए थे। बेन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। शेरन का एक बॉयफ्रेंड था, उससे ब्रेकअप किए हुए उसे 6 महीने हो गए। बेन भी उसे अपना ब्रेकअप के बारे में बताता है। ये दोनों एक दूसरे को और भी जानने लगते हैं। शेरन कहती है, नाइट में मैं स्पेनिश सीखती हूँ, उसे अलग अलग प्लेसेस पर घूमना है, वहाँ के लोगों के बारे में जानना है। स्पेनिश सीखने के बाद वो शायद स्पेन में जाकर टीच करेगी। उसे साउथ अमेरिका भी बहुत अच्छा लगता है, वो वहाँ पर भी जाना चाहती थी। वो बेन को उसके ड्रीम्स के बारे में पूछती है। बेन ने कहा, मुझे ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है, शायद उसकी भी आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन होगी। शेरन ने कहा, मैं हमेशा एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी, वो वर्ल्ड की किसी भी चीज़ में ब्यूटी देख सकते हैं। ये बात शेरन को बेन की बहुत अच्छी लगी। बेन ने शेरन को घर पर छोड़ दिया। ये दोनों किस करने वाले थे लेकिन ये सही से नहीं पाई। अगले दिन मैनेजर ने अनाउंस किया, उसका बर्थडे आने वाला है तो सबको उसके घर पर पार्टी के लिए आना पड़ेगा। शेरन बेन से पूछती है, क्या तुम उस रात मेरे साथ चलोगे? ये उन दोनों की एक ऑफिशियल डेट थी। फिर अगले सीन में मैनेजर ने बेन को बुलाया और कहा, बर्थडे पर एक सरप्राइज स्टीपर भी होनी चाहिए, इसका इंतजाम तुम करोगे। बेन को पता नहीं था कि वो ये कैसे करेगा, जिसमें वो शॉन की हेल्प लेता है। शॉन को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है। वो उसे एक पब में लेकर गया, वो एक लड़की से बात करता है। वो लड़की कहती है, मैं उस रात बहुत ही बिजी हूँ, मेरी एक फ्रेंड को मैं वहाँ पर भेज दूंगी। कल रात के बाद बेन को हर जगह शेरन ही दिख रही थी, वो टाइम को स्टॉप करके हमेशा उसे ही ड्रॉ करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कल मैनेजर का बर्थडे था। शेरन ने बेन से पूछ लिया, क्या तुम अभी भी मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगे? बेन कहता है, ऑफ कोर्स चलना चाहता हूँ। फिर जाते हुए शेरन बेन को प्रॉपरली किस करके गई। इतने दिन बेन को नींद नहीं आई थी लेकिन आज रात को वो बहुत सोया। उठने के बाद उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आता है। बेन की पिक्चर्स उन्हें बहुत अच्छी लगी थी इसलिए उन्होंने उसे मिलने के लिए बुलाया था। बेन इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है लेकिन ये सिर्फ उसके फ्रेंड मैट और बैरी उसके साथ मजाक कर रहे थे। इसके बाद वो बहुत ही अच्छे से रेडी होकर शेरन के पास पहुँचा।
पूछा। वो शेरन को अपनी आर्ट की गुड न्यूज़ भी बता देता है, उसे भी सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों मिलकर फिर पार्टी में आते हैं और बेन यहाँ पर सूजी को देखता है। पार्टी में इनकी ऑर्डर की हुई स्टीपर्स भी आई हुई थी। ये वही स्टीपर थी जो शॉन और बेन बचपन में देखने के लिए जाया करते थे। शॉन मौके का फ़ायदा उठाकर उसे डेट के लिए पूछ लेता है। शॉन हमेशा लड़कियों से कोई भी उल्टी सीधे चीज़ें पूछ लेता, लेकिन ये लड़की उसे बचपन से जानती है, तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। शायद उसकी भी लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। पार्टी में बेन वॉशरूम के लिए जाता है। सूजी बेन और शेरन को एक साथ देखकर जेलस फील करती है। वो रियलाइज़ करती है उसके लिए बेन परफेक्ट था। वो उसे फिर से पाना चाहती है, लेकिन बेन उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसी के दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनेजर शेरन से बात करने लग जाता है। वो उसे हैरेस करने लगता है। शेरन गुस्सा होकर वहाँ से निकलने लगती है। उसने जब ऊपर बेन और सूजी को देखा, तब उसी मोमेंट पर सूजी बेन को किस करने लगती है। अगली मोमेंट पर बेन ने सूजी को हटा दिया था, लेकिन शेरन ने ये नहीं देखा। वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। बेन रियलाइज करता है शेरन को क्या लगा होगा। उसने टाइम को स्टॉप कर दिया और सोचा वो शेरन को क्या बताएगा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता। उसने ऐसे ही 2 दिन तक टाइम को स्टॉप करके रखा था। अनपॉज करने के बाद भी वो शेरन को मना नहीं पाता। वो उसे मिलने के लिए गया, लेकिन शेरन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। उसे फिर से नींद आनी बंद हो जाती है। जैसे हमने पहले देखा था, बेन के फ्रेंड ने प्रैंक कॉल करके उसे एक आर्ट गैलरी में मिलने के लिए बुलाया हुआ था। तब बेन एक्चुअल में अपने सब आर्ट लेकर उस आर्ट गैलरी में चला जाता है। वहाँ के एजेंट से उसने बात की तो उसकी वहाँ पर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं थी, लेकिन ये एजेंट उसकी ड्राइंग देख लेता है और उसे ये ड्राइंग बहुत ही पसंद आते हैं। वो बेन को अपॉर्चुनिटी देते हैं और अब उसका आर्ट एग्जीबिशन होने वाला था। इसका इन्विटेशन बेन शेरन को भी देकर आता है। इस एग्जीबिशन में बेन ने शेरन की जो ड्राइंग बनाई थी उसने यहाँ पर सिर्फ यही लगाई हुई थी। ये सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल था। तभी वहाँ पर एक एजेंट आकर बेन से बात करने लगती है। उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत पसंद आई थी। वो न्यूयॉर्क से थी और उसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकती थी। उससे बात करते हुए बेन ने नोटिस किया शेरन भी ये एग्जीबिशन देखने के लिए आई हुई है। ये आर्ट एजेंट बेन से पूछती है, फ्यूचर में तुम क्या करना चाहोगे। बेन कहता है, मुझे साउथ अमेरिका में जाकर ट्रैवल करते हुए ड्राइंग करनी है। ये एक्चुअल में शेरन का ड्रीम था, उसे साउथ अमेरिका में ट्रैवल करना है। तो बेन भी उसी के साथ ट्रैवल करके ड्राइंग करना चाहता था। शेरन उसकी सारी ड्राइंग देखकर बेन को माफ़ कर देती है। बेन उसे फिर से सॉरी कहता है। शेरन कहती है, ये पेंटिंग देखकर मैं सब कुछ समझ गई हूँ। बेन पूछता है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। शेरन कहती है, हाँ करती हूँ। शेरन को उसने आंखें बंद करने के लिए कहा, वो उसे किस करता है। उसी मोमेंट पर उसने टाइम को स्टॉप कर दिया। अब जब टाइम स्टॉप हो गया था, तब बेन के साथ शेरन भी आसपास घूम सकती थी। बाहर स्नो गिर रहा था तो बेन शेरन को बाहर लेकर आया। यहीं पर वो फिर से किस करते हैं और इसी के साथ इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। बेन हमसे कहता है, लाइफ में बहुत सारे मोमेंट होते हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको लाइफ की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है, किसी के प्यार में पड़ना है, तो एक बार थोड़ा रुक जाओ, उस मोमेंट को अप्रिशिएट करो, कभी भी उसे जाने मत दो। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।